नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं वी नेशन। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर जान ले ली गई। मारे गए युवक की उम्र 26 साल थी और नाम हर्षा बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद हर्षा के शव को पुलिस सुरक्षा के बीच घर ले जाया गया। एम्बुलेंस के साथ कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता साथ थे। सुरक्षा के चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वारदात के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहर के सिगहट्टी इलाके में उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी है। दंगों की आशंका के चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कल हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच चल रही है और कई तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस हत्या ने अब बहुत बड़ा राजनीतिक रूप भी ले लिया है। पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा ने हर्षा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मैं हर्षा की मृत्यु से बेहद दुखी हूँ। हर्षा की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। मैं अभी स्थिति की सुध लेने के लिए शिवमोगा जा रहा हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।